तो CSE जो है ID से पैन कार्ड बनाएंगे, तो CSE देख रहे हैं। CSE में जो है हम जो है लॉगिन करेंगे, तो हम जो ID पासवर्ड डालेंगे। ID पासवर्ड डालने के बाद दोस्त यहाँ पर खुल रहा है। खुलने के बाद जो है पैन कार्ड सर्विस पे जो है सर्च करेंगे, तो यहाँ पर पैन कार्ड सर्विस है, खुल रहा है। यहाँ पर लॉगिन विथ डिजिटल कनेक्ट कर देंगे और आगे की प्रक्रिया पर जो है कंडीशन पर यहाँ क्लिक करके प्रोसेस्ड बढ़ जाएंगे। प्रोसेस्ड में जो है क्लिक हेयर पर जो है क्लिक करेंगे, अगला स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो है अप्लाई न्यू पैन, यहाँ पर अप्लाई पिन पर यहाँ पर 49A, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आगे की प्रक्रिया बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है हम जो है ओके कर देंगे। और यहाँ मैं डिजिटल है, मोबाइल से आधार कार्ड लिंक है, तो फिर डिजिटल पे ही मोड में करेंगे। इनविजिबल पहले ही से है। और जो है वेदार यार यू फ्रॉम डिफेंस है NRI, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, नो। तो ये जो है बूथ करेंगे, यानी कि हमारे डाक से जो है मंगाना है और ईमेल पे भी जो है आएगा। तो चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो है ये वाला उतार लेंगे, जो है रेफरेंस नंबर है उतार लेंगे। उसके बाद जो है ओके कर देंगे। आगे की प्रक्रिया में श्रीमती है, एक श्री है तो श्री भर देंगे। लास्ट नेम क्या है, तो लास्ट नेम जो है आधार कार्ड से भर देंगे। तो चलिए जो है हमने भर दिया है, फर्स्ट नेम भर देंगे, तो आधार कार्ड में जो है रहेगा वो भर देना है। उसके बाद जो है मिडिल नाम नेम है, आधार कार्ड के अनुसार जो है भरिए। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर देख लेंगे प्रभात कुमार आ गया है। आगे जो है और कोई नाम है तो नहीं है, मेल है सही है। और इसका जन्म तिथि जो है आधार कार्ड के अनुसार देख लेंगे। तो चलिए इसमें हमारा जो है आधार कार्ड में 96 है, तो 96 निकाल लेंगे। 96 जो है कौन सा मंथ है, तो 8वां है, यानी अगस्त है, तो 8वां महीना जो है ले लेंगे। तारीख कौन सा है, 25 तारीख है, तो 25 जो है इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। 25 60 96 जो है कर दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये सब कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस कर देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ये नाबालिग के लिए है। अब यहाँ हम जो है आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर जो है भरिए, भरते हैं। जो है ये जो है सीक्रेट रहेगा। तो चलिए जो है फिर से देखिए, फिर जो है री इंटर आधार नंबर, फिर से जो है आधार मांग रहा है, तो आधार नंबर भर देंगे ताकि जो है गड़बड़ ना हो। तो चलिए फटाफट भरते हैं। चलिए भरते जाइए, ओके कीजिए। अब यहाँ पर नेम आज यानी आधार पर जो नाम है वो लिखना है। चलिए भर देते हैं। तो हमने जो है ये भर दिया है। अब जो है नेक्स्ट चल देंगे। तो
तो यहाँ पर सारा डिटेल जो है आधार से जो है क्या हो गया है, डिटेल विल बी यहाँ जो है कैप्चर हो गया है, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है। यहाँ सारा चीज़ आधार से भर दिया गया है। नेक्स्ट जो है करेंगे, हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और जो है इसको करना नहीं है। तो यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस बैलेंस दिखला रहा है, इसलिए जो है ये बैलेंस भराएगा तब होगा, इसलिए वेट करते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं। तो यहाँ पासवर्ड डालेंगे जो CSC का पासवर्ड है, चलिए हम जो है पासवर्ड डाल दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है वैलेट जो है पिन भी डालेंगे, जो अपना वैलेट पिन बनाए होंगे। उसके बाद रुपीज पे जो है ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया जो है हम देखेंगे दोस्तों। देखिए हमारा जो है विल लिंक द जो है मैच्ड हो गया है आधार से, विल बी लिंक द रेफरेंस नंबर हो गया है। तो आगे क्लिक करते हैं और इसमें इंडिया डालेंगे, हमारा इंडिया जो है IST कोड है इंडिया, चलिए इंडिया हो गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे कस्टमर का, कस्टमर का मोबाइल नंबर जो है इसमें डाल देंगे जो लिंक है। तो चलिए हम जो है मोबाइल नंबर डाल देते हैं। चलिए तो हम जो है और जो है ईमेल नंबर जो है डाल देंगे। चलिए आगे के प्रोसेस पे जो है यहाँ देखेंगे, यस नो लिखा हुआ है। अगर कह रहा है इफ यस प्लीज द मदर नेम, अगर यस करेंगे इसमें तो माता का नाम डालना पड़ेगा, नो करेंगे तो पिता का नाम डालना पड़ेगा। तो चलिए हम जो है पिता का नाम जो है आधार कार्ड के अनुसार भर देते हैं। तो पिता का नाम भर देंगे, तो यहाँ पर लास्ट नेम पूछा है तो लास्ट नेम ही भरेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट नाम जो है भरेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है। तो एक सिंगल नाम भी रहेगा तो हम लास्ट नेम डालेंगे। अगर मान लीजिए चंदन नाम है तो हमारा जो है जिसमें लास्ट नेम रहेगा वही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं फादर का नाम जो है एडजस्ट हो गया है। एक बार आधार से जो है नाम मिला के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और हमारा जो है देखिए यहाँ पर अब OTP जाएगा। OTP जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं OTP चला गया है, जो है डाल दिया है, और यहाँ पर कंडीशन और शर्त को यानी रूल्स को नियम को ठीक लगा देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आगे देखिए प्रोसेस ले रहा है, तो आगे भी एक और OTP जो है जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हमारा जो है ये भी सॉफ्टवेयर ले रहा है तो लेने दीजिए। तो आगे जो है प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारा डिटेल जो है आधार कार्ड के अनुसार जो है देखिए मैच कर गया है, देखिए सब अपने आप जो है ले लेता है।
तो ये देखिए सब जो है अपने आप जो है ऑटोमेटिक जो है आधार से जो है ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर इनकम में नो इनकम दिखा देंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा जो है प्रोसेस जो है आगे की जो है बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर जो है क्लिक करते हुए हम जो है देखिए ये जो है एडी कोड जो है ये कोड जो है हो गया है अपने आप जो है। और यहाँ पर जो है हिमसेल्फ हर सेल्फ भर देंगे। देखिए अपने आप नाम आ गया है, तो जिस जिले का है तो उस जिले का नाम डाल दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन प्लेस तो बलिया यानी जो जिला होगा भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आधार कार्ड से सब जो है क्लियर हो गया है। और जो है यहाँ पर जो है कह रहा है कि ये साइज वगैरह है तो हमको तो भरना नहीं, आधार से डिटेल हो गया है, अब हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद आगे की प्रोसेस जो है हो गया। ईमेल प्रोवाइड बाय यू फाउंड बी अवेलेबल अगेंस्ट मल्टीपाई पिन काइंडली प्रोसेस फाइंड एप्लीकेशन। तो ये सारा जो है करने के बाद जो है अगला जो स्टेप देखिए, तो अगला स्टेप हमारा जो है सब आधार कार्ड के अनुसार जो है सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सूचना दे रहा है तो हम जो है कस्टमर का जो है भरेंगे। तो यहाँ कस्टमर का ही मांग रहा है इसलिए जो है, तो चलिए जो है कस्टमर का जो है ईमेल नंबर जो है भर दे रहे हैं। तो आगे जो है प्रोसेस करते हैं। पहले जो है ईमेल नंबर जो है ये सिर्फ ईएली दे देते थे या और जिसका जो है जो रहता है संबंधी उसका भी दे देते थे, लेकिन ये जो है कस्टमर का ही मांग रहा है। तो चलिए हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और अगले स्टेप में जो है हम आगे जो है नेक्स्ट करें, क्योंकि हमने पहले से फिलअप कर लिया है तो हम जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सब जो है सेलेक्ट आधार कर लेना है, आधार कार्ड के अनुसार ही सब जो है हम मैच कर लेंगे, क्योंकि हम जो है आधार कार्ड के अनुसार ही सब भर रहे हैं। तो चलिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारा देखिए इसके आगे जो स्टेप है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी प्रोसेस ले रहा है, अभी यहाँ दिखला रहा है यू प्रोग्रेसिंग, यहाँ पर जो है हटाना नहीं है, भरते रहना है। यहाँ पर कुछ जो है गड़बड़ी दिखा रहा है, लेकिन देखिए सॉफ्टवेयर ले रहा है कि नहीं, कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो यानी हमारा ये जो है क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसमें इंटर योर आधार नंबर, फिर से जो है हम आधार नंबर डाल देंगे। चलिए तो डाल रहे हैं, और जो है यहाँ पर देखेंगे हमने डाल दिया है और गेट ओटीपी पे जो है क्लिक कर दिए, तो मोबाइल पे जो है ओटीपी चला गया है और ओटीपी जो है यहाँ पर भर देंगे और हमारा जो है यहाँ पर कंडीशन शर्त पे जो है कर देंगे। तो चलिए हम ओटीपी मंगा रहे हैं, ओटीपी जो आया है कस्टमर से मांग करके अभी जो है डाल देंगे। आगे प्रक्रिया बढ़ रहा है, ओटीपी जो है प्लीज रीड एंड यहाँ पर देखिए क्लिक करना है, तो क्लिक करके जो है आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही हमारा जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है और जो है यहाँ पर देखिए सारी प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है और हमारा लग रहा है अब वो जो है कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए हमारा सारा चीज डिटेल जो है मैच कर गया है, यहाँ पर देखेंगे मैच कर जाता है।
तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो और जो है इस प्रकार जो है डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करना है प्रिंट कर लीजिए, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि जो है हमारा जो है डिटेल पता रहे, और यहाँ पर प्रिंट करना होगा तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अभी प्रोसेस ले रहा है, लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। ये तो प्रिंट आउट जो कस्टमर को देना है तो दे सकते हैं। तो पूरा डिटेल जो है यहाँ पर देखिए, सब जो है आधार कार्ड के अनुसार जो है ये फार्म कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारा जो है सब जो है ए टू जेड जो है कंप्लीट हो गया। इस प्रकार दोस्तों जो है हम इसको जो है कर लेते हैं और इसको जो है भर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह पैन कार्ड